हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष यादव। सो आज के वीडियो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, दैट इज अ बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं हर आदमी स्कैल्पिंग कर रहा है। बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग जो भी करते हैं वो ज्यादातर लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं, एक बड़ी सी क्वांटिटी बाय करते हैं और हम लोग अपने पॉइंट्स वहाँ पे कम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो में एक स्टडी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको वहाँ पे एक्सपायरी के दिन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, विदाउट एक्सपायरी भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है और टारगेट हमारा यहाँ पे कम से कम 1:3 का यहाँ पे रहता है। ठीक है, सो वो स्टडी क्या है वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस स्टडी को मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, काफी एक्यूरेट स्टडी आप यहाँ पे देखोगे। जस्ट एक सिंपल सा लॉजिक है वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, प्लस साथ ही मैं आपको वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा कि स्टडी कैसे काम करती है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आइए आपको ये वीडियो मैं जो स्टडी आपको बताऊंगा वो आपको समझ आएगी और आपके जो भी आप ट्रेडिंग करोगे वो आपको आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और अभी चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे। ओके, सो बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग के लिए आपको सबसे पहले जो है वो टाइम फ्रेम आपको रखना होगा 5 मिनट का। ठीक है ना, जो भी आपका टाइम फ्रेम रहेगा वो आपका टाइम फ्रेम होने वाला है 5 मिनट्स। ठीक है, आप इसको 5 मिनट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, करना क्या है आपको, चार्ट पे अप्लाई करना है सुपर ट्रेंड। ठीक है, वो जो सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स होती है वो अगर आपके पास ट्रेड टाइगर है दैट इज़ डिफॉल्ट 10 और 3 का आपका होगा। ठीक है, और अगर आप बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, ट्रेडिंग भी यूज़ करते हो या ज़ीरोधा यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको देखना है कि आपकी सेटिंग्स क्या है। अगर आपकी सेटिंग्स डिस्टर्ब है, 10-4 है, 10-5 है, तो आपको वहाँ पे 10 और 3 को कर देना है। ठीक है ना, यही सेटिंग आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। सो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता क्या, जनरली सुपर ट्रेंड आपको इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से होता है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड मीन्स कि आपका प्राइस यहाँ पर ट्रेंड आपको बताता है, अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस चल रहा है। ठीक है, आपकी ये कैंडल है। ठीक है, और आपका सुपर ट्रेंड डाउन है, मतलब क्या है आपका बुलिस, मतलब यहाँ पे क्या है हम लोग मानेंगे कि आपका ट्रेंड यहाँ पे बुलिस है। और अगर आपका सुपर ट्रेंड ऊपर है और प्राइस आपका नीचे है, ठीक है, ये तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो आपका ट्रेंड है मार्केट का वो ट्रेंड यहाँ पर डाउन है। ठीक है, सो अभी मुझे करना है कि मैं आपको यहाँ पर बाय का सेटअप बता रहा हूँ, इसका जस्ट अपोजिट होता है सेल के लिए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंडीशन नंबर 1 कि आपका जो सुपर ट्रेंड है वो इस तरीके होना चाहिए, मतलब बियरिश होना चाहिए। ठीक है, कैंडल्स आपके ड्रॉप डाउन होने चाहिए, क्लियर, कैंडल्स आपके यहाँ पर ऐसे चल रहे होंगे। चलो बेरे सेटअप, तो यहाँ पर क्या है बैंक निफ्टी में मोमेंटम, क्या स्कैल्पिंग मींस क्या होता है, मुझे मोमेंटम कैच करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर काउंटर ट्रेड लेने बारे हैं, मतलब यहाँ पर क्या है हम लोग ब्रेकआउट से पहले देखेंगे ब्रेकआउट के बारे में। ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ पर जब, क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन का प्राइस कब बढ़ेगा, जब किसी भी प्राइस में ब्रेकआउट होगा तभी प्राइस आपका बहुत तेजी से ऊपर चलता है। तो हम लोग करेंगे कि यहाँ पर जस्ट काउंटर ट्रेड लेंगे। सो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि आपका सुपर ट्रेंड ऊपर होना चाहिए, प्राइस आपके नीचे होना चाहिए। ठीक है, प्राइस आपके ऊपर ट्रेवल करते करते एक बार यहाँ पर टच करके ड्रॉप आ जाना चाहिए। ठीक है, प्राइस आपका यहाँ पर ट्रैवल करके ऊपर जाएगा, एक बार ड्रॉप होकर यहाँ पर नीचे आएगा। ठीक है, वापस टच करके ऊपर जाएगा, अगर एक इस बार ड्रॉप करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो कोई बात, अगर एक बार आपका और ड्रॉप हो जाएगा तो और अच्छी बात है। उसके बाद जब भी वापस तीसरी बार यहाँ से जाएगा तब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से ये ब्रेकआउट होने वाला है। मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 मैं वापस बता रहा हूँ आपको, सुपर ट्रेंड ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एक बार टच करके प्राइस ड्रॉप हो जाना चाहिए, अगर दूसरी बार भी टच करके प्राइस ड्रॉप हो गया तो और अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग दूसरी बार में ब्रेकआउट देख लेंगे। ठीक है, बट तीसरी बार तो कंफर्म होता है कि यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं कुछ। ओके, सो बैंक निफ्टी भी चल रहा है 44,223, यहाँ पहले मैं पोजीशंस लूँगा उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बिकॉज अभी क्या है जस्ट ट्रेड फाइंड आउट हुआ है। सो अभी मैं यहाँ पे 44,200 का ऑप्शन बाय करने वाला हूँ, बिकॉज आपका जो बैंक निफ्टी है वो 44,200 चल रहा है। ठीक है, सो पहले हम लोग यहाँ पोजीशन बना लेंगे, फिर मैं आपको चार्ट बताऊँगा कौन सा सेटअप यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे 174 के लेवल पे बाय किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने सुपर ट्रेंड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सो होता क्या है, जब भी सुपर ट्रेंड आपका प्राइस के ऊपर होता है मिंटू से आपका एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है ना, सो यहाँ पे क्या है, एक बार रेजिस्टेंस प्राइस ऊपर गया और यहाँ से प्राइस
ड्रॉप आया, ठीक है। उसके बाद वापस ऊपर गया, प्राइस ड्रॉप आया। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज दो बार अगर प्राइस ड्रॉप हो जाता है तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ब्रेकआउट का होता है। जो हमारा टारगेट है वो हमारा इंट्राडे हाई का होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे दिस इज़ अ हैमर, हैमर बना हुआ है। सो मैं इस हैमर को प्ले आउट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। सो मैंने एंट्री यहाँ प्लान किया हुआ है, हैमर के लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस डाला हुआ है और हमारा टारगेट रहेगा डेज हाई। ये हम लोग यहाँ पर अपना टारगेट को 1:2 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूल क्या है कि कभी भी सुपर टेन का अगर दो से तीन बार वहाँ से ड्रॉप आ गया है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। वो हम लोग अभी यहाँ पर देख लेंगे ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो, सो ये सुपर टेन का स्टडी है, बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत एक्यूरेट काम करता है। और अभी क्या है आपका 2:30 बजा हुआ है, ठीक है। सो 2:30 बजे के टाइम पर मोमेंटम भी मार्केट में आता है, देन हम लोग वहाँ पर एक प्ले आउट कर सकते एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखोगे जो एंट्री है वो 44,224 के आसपास मैंने बाय किया, हालांकि प्राइस नीचे से ड्रॉप हो गया। अभी आप देखोगे प्राइस वापस से नीचे आया फिर से ऊपर, बट अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ, ठीक है। देखोगे जस्ट 2-3 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बचा हुआ, ठीक है। बिकॉज हमारा कल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, दिस इज अ वॉलेटिलिटी, बिकॉज 2:45 का टाइम हो गया है, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पर 181 चल रहा है। सो करीब 10 पॉइंट यहाँ से मुझे बैंक निफ्टी में भी मिल रहा है, ठीक है, एज अ स्कैल्पिंग। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि फिर से प्राइस ड्रॉप हुआ, बट मे बी इस बार अगर ब्रेक इस बार इसको टच करेगा देन ब्रेकआउट आना चाहिए, ठीक है। सो एक बार अभी यहाँ पे देखते हैं, प्राइस वापस से ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अभी 44,236 चला है, ठीक है। सो जस्ट वापस से हिट कर रहा सुपर टेन को और ये फाइनली इसने ये ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर वेट करना है कि आपका जो कैंडल्स है, जो जिस कैंडल्स ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है वो कैंडल्स वहाँ पर एटलीस्ट क्लोज हो, मतलब 2:48 हुआ है। अगर ये 2 मिनट के अंदर क्लोज कैंडल क्लोज हो जाएगा देन हम लोग मान लेंगे यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। सो अभी एक बार देखते हैं और हमारा टारगेट जो है वो 1:2 यहाँ पे इजीली अचीव हो जाना चाहिए। देखते हैं वापस से प्राइस हमारा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ 44,247 का। हमने थोड़ा सा एंट्री नीचे प्लान किया हुआ था तो अभी तक हमारा बढ़िया रहता है। यहाँ पर हम लोग आरएसआई प्लॉट कर देंगे, एक बार देखते हैं आरएसआई की वैल्यू क्या चल रहा है। 70 तो नहीं हो गया है, अगर 70 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, ठीक है। बिकॉज 70 के ऊपर मैं जनरली ट्रेड को कैरी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। सो आप देखोगे सो आरएसआई की वैल्यू यहाँ पे है, दिस इज़ अ 60 61। सो अभी रूम है, 7-8 पॉइंट का रूम अभी है ऊपर जाने के लिए अकॉर्डिंग टू आरएसआई, ठीक है। अगर आरएसआई आपका यहाँ पे 40-50 होता ना तो अभी ब्रेकआउट बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। अभी क्या आरएसआई थोड़ा सा हमारा एक्सपेंसिव लेवल पर आ चुका है, ठीक है। बट कोई नहीं, मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव होना चाहिए। अभी 3 बज गया है, सो देखते हैं 10-15 मिनट और देखेंगे, 3:15 तक जो भी मिलेगा वहाँ पर हम लोग अपनी पोजीशन वहाँ पर एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये सुपर टेन का यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ रेजिस्टेंस आप देखोगे पहले से बना हुआ है और यहीं पे एक सप्लाई जोन अवेलेबल है, ठीक है। अभी क्या है प्राइस सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपका आरएसआई की वैल्यू भी करीब 70 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। सो आपका ये 70 हो गया, मतलब अब हमें यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए, ठीक है। सो अभी देखते हैं अगर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा तो हम वहाँ पर एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेकआउट होना चाहिए, वो ब्रेकआउट हुआ है आपके सामने, सेटअप कैसा है सबसे। और आप देखोगे 44,293.45 का हमारा टारगेट था और एग्जिट प्राइस आपका अपने टारगेट लाइन को टच करके वहाँ से ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। सो ये सेटअप इस टाइप से वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें, इसको अप्लाई करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।